भौतिक विकास चरम सीमा पर है। औद्योगिक जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा धुआं और कचरा वायु को और जल को प्रदूषित कर रहा है। हमारे जो वाहन हैं, उनके द्वारा धुआं और ध्वनि प्रदूषण पैदा हो रहा है। इसी प्रकार से वातानुकूलित साधन, उनके द्वारा गर्मी, इंडस्ट्री के गर्मी, वाहन की गर्मी, इन सब के द्वारा ओजोन में एक छेद आ गया जो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो मौसम है वो बदल रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं थी, सर्दी नहीं थी, सर्दी पूरी थी और गर्मी भी ठीक ठीक थी। ये मेरे अपने बचपन के दिन याद है कि सर्दी के दिनों में बर्फ जम जाती थी। आज सर्दी 2 मास से ज्यादा होती ही नहीं है, गर्मी इतनी है कि 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है और जिसमें प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब झुलसने लगते हैं। इसके लिए हम इतने वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि ये प्रयास, हमारे पूरे विश्व के प्रयास जो है, सफल नहीं हो रहे और दिन प्रतिदिन ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इस प्रदूषण का स्वरूप दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। बात तो ये हुई, जो जो दवा की, रोग बढ़ता गया। आखिर कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मूल कारण है, जिसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलावा शायद ही कोई ध्यान देता होगा, वो है मन का प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण के बारे में, जिसके निवारण के बारे में हम भली भांति जानते हैं, और प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु मन के प्रदूषण के कारण ये हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है। आज मनुष्य का मन कितना दूषित हो गया है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना, लोभ लालच, इस लोभ लालच के कारण ही इंसान आज प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आज जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तेज गति से, उसकी पूर्ति के लिए हमने करोड़ों अरबों एक्टर वन जो है वो समाप्त कर दिए है। ये मन का प्रदूषण ही है। और लेटेस्ट मन के प्रदूषण का एक उदाहरण, मनुष्य का मन कितना दूषित हो गया है। ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना क्या है? ये प्रकृति की देन तो नहीं है, ये मनुष्य की देन है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये वायरस किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और इसको फैलाया क्यों गया? ये दूषित मन के कारण फैलाया गया है। इसकी स्टार्टिंग मनुष्य के द्वारा हुई है। जब तक हम अपने मानसिकता को, अपने मन को, इस दूषित मन को राजयोग के द्वारा, अध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे जितने भी शेष प्रयास होंगे वो पर्याप्त नहीं रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज विश्व भर में एक सुंदर समाज की रचना के लिए, मन को सुमन बनाने के लिए, मन के अंदर सुंदर विचार भरने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। और उसका उदाहरण स्पष्ट है कि कोरोना टाइम में पूरे हमारे विश्व के लाखों भाई बहनों ने विशेष समय निकालकर इस विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए, दुखी रोगी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दिए। आप देखिए
जब कोरोना चरम सीमा पर था तो मनुष्य के अंदर से और मरने वालों के अंदर से एक दर्द जो निकल रहा था, जो पीड़ा निकल रही थी, वो वाइब्रेशन इस विश्व के अंदर ऐसा था कि हर लोग ये महसूस कर रहा था कि जैसे संसार एक शमशान घाट बन गया है। भय ही भय था, हर मन के अंदर भय था, और ये भय मनुष्य के मन की कमजोरी का स्वरूप है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें सतत जरूरत है अपने मन को पावन करने की, अपने मन को पवित्र करने की। जब ये मन पवित्र हो जाएगा तो ये धरती को तभी हम पवित्र बना सकेंगे, तभी हम खुशहाल कर सकेंगे, तभी हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे वो खुशहाली देंगे, सुख देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रकृति के पास हर मनुष्य की आवश्यकता के लिए हर सुख साधन है, कोई कमी नहीं है, परंतु मनुष्य की लालसा के लिए, उसकी तृष्णाओं के लिए, उसके लोभ के लिए नहीं है। इसलिए मन से अगर हम अपने विषय विकारों को निकालेंगे और इसको सुमन बनाएंगे दिव्य गुणों से, नैतिक मूल्यों से, सामाजिक मूल्य से सुसज्जित करेंगे, तभी हमें एक सुंदर समाज की जो कल्पना है उसको पूरी कर सकेंगे। और फिर हमें ये दिवस मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह धरती फिर से एक सुंदर समाज में, एक सुंदर रूप में प्रकट होगी। हमारे पूर्वज कितने दिव्य गुणों से सुसज्जित थे, उनके अंदर, मन के अंदर कितनी शक्ति थी, प्रकृति दासी थी। श्री राम ने कहा, हे समुंदर मुझे रास्ता दो, समुंदर ने रास्ता दे दिया। श्री कृष्ण को जब श्री नंदलाल जी टोकरी में उठाकर रात्रि को तूफानी रात में लेकर जा रहे थे और नदी पार कर रहे थे, और नदी का पानी उछल जाता और श्री कृष्ण के चरणों को छूकर फिर नीचे चला जाता, उस तूफान में ना नंद जी का कुछ बिगाड़ा और ना श्री कृष्ण बाल को कुछ हुआ, परंतु प्रकृति सलाम करती है, क्योंकि उनके अंदर, हमारे पूर्व जो राम और कृष्ण जो उस टाइम देवकुल था, उनके अंदर दिव्यता थी। आज हमारे अंदर दिव्यता के बदले में विषय विकार है, तो जरूरत है अपने मन को राजयोग के द्वारा सुमन बनाने की। तो भाई और बहनों, इस शुभ अवसर पर आओ हम सब संकल्प करें, अपने मन को राइयों के द्वारा सुमन बनाएं, अपने मन के अंदर दिव्य गुणों की सुगंध फैलाएं, ताकि यह सुंदर समाज आने वालों के लिए, हमारे लिए एक बहुत सुंदर स्वर्ग का रूप बने, जिसका वर्णन शास्त्रों में है, जिसका वर्णन गीतों में है।